पॉलिटी के प्रश्न पत्र में जीएस पेपर टू में संघवाद से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो काफ़ी गत्यात्मक आयाम को शामिल करते हुए पूछे जा रहे हैं और एक विद्यार्थी के लिए तैयारी करने वाले मेंस की परीक्षा देने के की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक तो हम आइडेंटिफाई करें कि ये क्वेश्चंस कहाँ किस टॉपिक से कनेक्ट किए जा सकते हैं या पूछे जा रहे हैं, और दूसरा ये है कि प्रश्नों का उत्तर लिखने का अप्रोच क्या होना चाहिए। जैसे 2016 के एग्ज़ाम में आईएएस मेंस में आर्टिकल 370 को लेकर एक सवाल पूछा गया कि आर्टिकल 370 किस सीमा तक अस्थाई है, और इस सवाल में एक और प्रश्न पूछा गया इस सवाल के साथ कि भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में इसकी भावी संभावनाएं क्या हैं। जब आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आगे बढ़ते हैं तो एक विद्यार्थी के तौर पर आपको यह पता होना चाहिए कि आर्टिकल 370 के ऊपर सवाल आपके सिलेबस में दो टॉपिक से जोड़कर पूछे जा सकते हैं। एक तो पहले ही टॉपिक में एक सब टॉपिक है कि भारतीय संविधान के प्रमुख प्रावधान, और प्रमुख प्रावधानों में आर्टिकल 370 को भी हम रखेंगे। दूसरा, संघ से जुड़े हुए विषय और चुनौतियां। तो अगर हम इस सवाल को देखें कि आर्टिकल 370 किस सीमा तक अस्थाई है और भावी संभावना इसकी क्या है, तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि 370 को लेकर भारतीय संविधान में या 370 के अंतर्गत भारतीय संविधान में क्या बातें कही गई हैं। 370 के साथ साथ इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में कश्मीर की क्या स्थिति है। प्रख्यात विद्वान ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था कि भारत का जो संविधान है उसके तीन आपस में जुड़े हुए उद्देश्य थे। एक, भारत का संविधान राष्ट्रीय एकता और अखंडता को स्थापित करना चाहता था। दूसरा, भारत के संविधान सभा के जो रचनाकार, संविधान सभा के जो लोग थे, वे लोकतंत्र की स्थापना तो करना ही चाहते थे। तीसरे, वे एक सामाजिक क्रांति भी चाहते थे। तो कई लोगों का ये कहना है कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के दृष्टिकोण से देखें तो भारत का संविधान बहुत हद तक सफल संविधान है, लेकिन जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर की कुछ जो इंसर्जेंसी से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, वे समस्याएं भारत के संविधान, भारत के संघवाद, भारत के संविधान के रचनाकारों के उद्देश्य, इन सब के सामने एक सवाल खड़ा करती हैं। हम यूँ इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि भारत अगर एक रेनबो फेडरलिज्म का, एक एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म का, असममित संघवाद का उदाहरण है, तो जम्मू कश्मीर उसके असममित संघवाद के संदर्भ में एक चुनौती भी है। असममित संघवाद ऐसे संघवाद को कहते हैं जिसमें किसी राजनीतिक व्यवस्था में इकाइयों का दर्जा बराबर नहीं होता है। तो जम्मू कश्मीर जो है, अगर इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम के संदर्भ में देखा जाए, इंडिया के जो दो आधारभूत, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दो आधारभूत जो सिद्धांत हैं, पार्लियामेंट्रिज्म और फेडरलिज्म, उनके संदर्भ में देखा जाए तो यह एक चुनौती भी उत्पन्न करता है, एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। इस सवाल को या 2016 के सवाल को समझने के पहले हमें वास्तव में इस बात को समझना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर की विशिष्ट स्थिति क्या है। जम्मू कश्मीर के बारे में अनुच्छेद 370 में प्रावधान किया गया है। 370 के प्रावधान की कुछ खास बात है। सबसे पहली बात यह है कि 370 यह कहता है कि संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर संसद की कानून बनाने की जो शक्ति है, वह शक्ति जो है वह सीमित है, और राज्य सरकार की सहमति से या राज्य सरकार के परामर्श से ही जम्मू कश्मीर के ऊपर संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाया जा सकता है, कानून को बनाकर लागू किया जा सकता है।
इसमें इस बात को भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि जम्मू कश्मीर जो है उसका अपना एक अलग संविधान है। इसमें इस बात को भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि जम्मू कश्मीर में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल को लागू नहीं किया जा सकता। जम्मू कश्मीर में राज्य के नीति निदेशक तत्व लागू नहीं होते हैं। जम्मू कश्मीर में वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया जा सकता। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन को राज्य सरकार की सहमति के बिना लागू नहीं किया जा सकता। और इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जम्मू कश्मीर के बारे में जो अस्थाई प्रावधान था वो अस्थाई प्रावधान कब तक के लिए था। अस्थाई प्रावधान जब किया गया था तो क्या ये सोचा गया था कि ये अस्थाई प्रावधान 50, 60, 70 साल भी बना रहेगा और फिर भी हम इसे अस्थाई कहते रहेंगे। दरअसल ये अस्थाई प्रावधान जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के बनाए जाने, उसके द्वारा सिफारिश किए जाने और उस सिफारिश के बाद राष्ट्रपति के अधिसूचना से इस प्रावधान को बदलने, समाप्त करने या इसके अपवादों को तय करने की बात कही गई थी। तो अगर 2016 के प्रश्न का हम जवाब ढूंढें कि आर्टिकल 370 किस सीमा तक अस्थाई है, तो कश्मीर के बारे में अनुच्छेद 370 कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश के द्वारा, राष्ट्रपति की अधिसूचना के द्वारा, राष्ट्रपति की अधिसूचना के द्वारा समाप्त किए जाने, बदलने या उसके अपवादों को गढ़े जाने तक अस्थाई है। मतलब ये तभी, ये अस्थाई कब तक है, जब तक कि जब कश्मीर की संविधान सभा इसके बारे में सिफारिश नहीं कर देती है। एक और बात कि जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 की भावी संभावनाएं क्या हैं, इसमें दो उत्तर या इसमें दो बातें कही जा सकती हैं। कुछ लोगों का एक मानना है कि इसकी भावी संभावना ये है कि इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। कुछ लोगों का ये कहना है कि संघात्मक ढांचे की स्थिति और जम्मू कश्मीर की स्थिति अगर दोनों को देखें तो इसे बनाए रखा जाना चाहिए और इसे समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए, उनके अपने आर्गुमेंट हैं, उनके अपने जस्टिफिकेशंस हैं। सबसे पहली बात वो ये कहते हैं कि चूंकि 370 अस्थाई है इसलिए इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। लेकिन जो लोग इसको बनाए रखने की बात करते हैं उनका ये कहना है कि 370 को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह भारतीय संविधान में कश्मीर के, भारतीय संविधान में कश्मीर के संबंध को भी दर्ज करता है। इसके बिना हम कश्मीर को भारतीय संघ के साथ जोड़ ही नहीं सकते। जो लोग 370 को समाप्त किए जाने की बात करते हैं वो ये भी कहते हैं, उनका ये भी तर्क होता है कि संघीय व्यवस्था में शक्तियों का जो विभाजन है वह औपचारिक रूप में समान होना चाहिए। लेकिन जो लोग 370 को बनाए रखने का समर्थन करते हैं वो ये कहते हैं कि भारत के संघात्मक ढांचे में केवल जम्मू कश्मीर ही एक विशेष स्थिति रखने वाला या एक असम्मिति वाला राज्य नहीं है। आप नागालैंड को देखिए, आप सिक्किम को देखिए, आप महाराष्ट्र, गुजरात के उन जनजातीय क्षेत्रों के बारे में राज्यपाल को दी गई विशेष राज्यपाल को दिए गए विशेष उत्तरदायित्व को देखिए। इसलिए कि जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति संघवाद के लिए ठीक नहीं है, यह तर्क अपने आप में उचित नहीं है। जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि हमने नागालैंड, सिक्किम और कुछ दूसरे राज्यों को या तो हमने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं या उनकी विशेष स्थिति को देखते हुए राज्यपाल को कुछ विशेष शक्तियां या उत्तरदायित्व तो सौंपे हैं। जो लोग जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 को समाप्त किए जाने की बात करते हैं उनका एक ये भी तर्क होता है कि जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति, उसको दिया गया स्वायत्तता का प्रावधान, उसके भीतर के उसमें फैले अलगाववाद को और मजबूत करता है।
लेकिन इस तर्क के अगेंस्ट ये कहा जा सकता है कि किसी संघात्मक राजनीतिक ढांचे में किसी राज्य की विशिष्ट स्थिति, उसकी स्वायत्तता, उसमें अलगाववाद को मजबूत करे, इसका कोई सीधा संबंध नहीं है। और इसके साथ एक और बात, कुछ लोगों को ये लगता है कि मजबूत केंद्र तभी बनेगा जब राज्य कमजोर होंगे। तो जम्मू कश्मीर को बहुत मजबूती देना केंद्र को कमजोर करेगा, लेकिन आज हम ये मानते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के दौर में, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के दौर में, कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म के दौर में, कि मजबूत केंद्र के साथ मजबूत राज्य की अवधारणा संभव है।